हे दोस्तों, पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कई बुरी चीजें सुनाई दे रही है। बुरा हो रहा है लोगों के साथ, और इन सब चीजों ने एक नेगेटिव टाइप का एटमॉस्फेयर सा क्रिएट कर दिया है। लोगों में स्ट्रेस, टेंशन, फिकर बढ़ गई है कि क्या होगा, कब खत्म होगा सब, और किसी को भी ये सिचुएशन पसंद नहीं आ रही। इसीलिए ऐसे टाइम से डील करने के लिए मैं आपको अभी 5 बुक्स के बारे में बताऊंगा जो ऐसी सिचुएशन से, टफ सिचुएशन से लड़ने में आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको एज अ पर्सन ग्रो करते हुए, स्ट्रांग बनाते हुए। ये बुक्स आपको हिम्मत देगी, ताकत देगी बुरे वक्त को फेस करने का। इनफैक्ट ये बुक्स में से कुछ बुक आपको ये भी सिखाएगी कि कैसे बुरे वक्त को आप उल्टा करके अच्छा बना सकते हो अपने लिए। नाउ अच्छी बात यह है कि इन सारी बुक्स की समरी मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, सो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वो वीडियोस देखने होंगे तो आप आराम से जाके देख सकते हो। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द बुक्स। बुक नंबर 1, मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये सच में एक बहुत बहुत अमेजिंग बुक है जो आपको पढ़नी ही चाहिए। इस बुक की बातें मैंने कई बार शेयर करी है अपने कई सारे वीडियोस में, इवन कई बुक्स में मैंने जो पढ़ा हूँ उसके अंदर इस बुक की बात लिखी गई होती है। बिकॉज सच में विक्टर की स्टोरी बहुत पावरफुल है, जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है। विक्टर एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप को सर्वाइव करा, जहां हजारों लोगों को उन्होंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, अलग अलग रीजंस की वजह से, जिसके अंदर सैडली उनकी वाइफ और उनके फैमिली मेंबर्स भी थे। उन्होंने कई तकलीफें झेली वहां जो कभी किसी इंसान को फेस नहीं करना चाहिए। बट इस बुरे वक्त में उन्होंने एक अजीब बात नोटिस करी। उन्होंने नोटिस करा कि जो गिने चुने लोग इस मौत के मुंह से बच के निकले थे, वो बस वो लोग ही थे जिनकी लाइफ में कुछ मीनिंग बचा था जिंदा रहने का। जबकि मैक्सिमम लोग जिन्हें लगा कि उनकी लाइफ में अब कोई मीनिंग नहीं बचा, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। नाउ ये बुक पढ़ के आपको रियलाइज होगा कि हम कितने खुशनसीब है जो हम उनकी जगह पे नहीं रहे, और ये क्वारंटाइन तो कुछ भी नहीं है उन तकलीफों के सामने जो उन्होंने झेली। सो ये आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये बुक आपको सिखाएगी जिंदगी जीने के सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो अगर आपके पास होगी तो आप जिंदगी की बुरी से बुरी चीजों को हैंडल कर लोगे। सो इसीलिए आप ये बुक जरूर पढ़ो। बुक नंबर 2, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस बुक को लिखने के 35 साल पहले वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर डेल कार्नेगी बोलते हैं कि वो न्यूयॉर्क सिटी के सबसे अनहैप्पी लड़कों में से एक थे, जिनकी जिंदगी प्रॉब्लम से भरी हुई थी हर तरह से। तब वो काफी स्ट्रेस में रहते थे, इसीलिए एक दिन जब वो लाइब्रेरी गए तो उन्होंने नोटिस करा कि वरी इस सब्जेक्ट में हार्डली कुछ ही बुक्स अवेलेबल थी वहां पे, जबकि वर्म्स के ऊपर, कीड़े मकोड़ों के ऊपर 90 से ज्यादा बुक्स थी। तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें ये बुक लिखनी चाहिए वरी के ऊपर, बिकॉज ये वन ऑफ द बिगेस्ट और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की। बट स्टिल उससे डील करने के लिए हमारे पास ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। सो ऑथर ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने आप की ही पहली लेबोरेटरी बनाई, जहां लोगों से पूछा जाता था उनके बेस्ट तरीके परेशानी वरी से डील करने के। नाउ ये रिसर्च कई सारे लोगों के साथ हुई, जो पूरी 5 साल तक चली, जिसके रिजल्ट से निकली है ये बुक, जो सच में कमाल की है। इसके अंदर ऑथर ने बताया है कि कैसे स्ट्रेस, वरी करना वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, जो लोगों की लाइफ खराब कर रहा है, उन्हें बीमार कर रहा है, इवन कुछ लोगों की जान भी ले रहा है। इसीलिए उन्होंने इस बुक में ऐसे कई सारे सिंपल प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं जो लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस और स्टोरी से निकाली गई है, जिसे हम भी स्ट्रेस, वरी, टेंशन खत्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से, और एक्चुअल में लाइफ को हैप्पीली जी सकते हैं, फिर चाहे कितना भी बुरा टाइम हो। आई थिंक ये बुक आपको पढ़नी ही चाहिए, बिकॉज पर्सनली इस बुक ने मुझे भी काफी हेल्प करा था मेरे बुरे टाइम में। बुक नंबर 3, एंटी फ्रेजाइल। कांच एक ऐसी चीज है जो फ्रेजाइल होती है, नाजुक होती है, मतलब अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो वो इजीली टूट सकती है। तो फिर बताओ उसका अपोजिट, मतलब एंटी फ्रेजाइल क्या चीज होगी? लोखंड, पत्थर? वेल रॉन्ग, बिकॉज फ्रेजाइल मतलब नाजुक, तो एंटी फ्रेजाइल मतलब मजबूत नहीं होगा, बल्कि एंटी फ्रेजाइल मतलब होगा वो चीज जो प्रेशर में बस टिके नहीं रहती, बल्कि वो प्रेशर से और स्ट्रांग होती है। और पता है एंटी फ्रेजाइल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? हम ह्यूमंस। एग्जाम्पल, जिम करके लोग अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं, अपने मसल्स को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो और स्ट्रांग बनते हैं, उनके मसल स्ट्रांग होते हैं। ऐसे ही आप देखोगे जो लोग बुरी बुरी सिचुएशन फेस करते हैं अपनी लाइफ में, वही वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट लोग होते हैं, जो कई कमाल करके दिखाते हैं और मेंटली भी स्ट्रांग रहते हैं। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि कैसे प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस और दूसरी चीजें एक्चुअल में हमारे लिए अच्छी होती है, जो हमें टाइम के साथ साथ बहुत स्ट्रांग बनाती है, जबकि दूसरे लोग जो बुरी चीजें कभी हैंडल नहीं करते अपनी लाइफ में, वो काफी वीक होते हैं। बुक नंबर 4, एज अ मैन थिंक इट। ये बुक इस लिस्ट की सबसे छोटी बुक है, बट इसकी बातें एक बार अगर आपको समझ में आ गई तो ये इस लिस्ट की सबसे पावरफुल बुक भी बन सकती है आपके लिए। ये ऐसी बुक है जो आपको कई बार पढ़नी चाहिए लाइफ के अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सिचुएशंस में, तभी आपको एक्चुअल में इस बुक की बातें डीप लेवल में समझ में आएगी और पावरफुल लगेगी। इसके अंदर कई पैराग्राफ्स है जो पढ़ने में काफी छोटे लगते हैं, बट उनके पीछे सालों की विजडम छुपी हुई है। ये बुक हमारी सोच से रिलेटेड बातें करती है,
कि कैसे लोगों की सोच सब कुछ बदल सकती है। अगर हम बुरी सोच रखेंगे, नेगेटिव सोच रखेंगे अपने दिल में, नफरत रखेंगे, तो वो हमें ही प्रॉब्लम देगी, वो भी हर तरह से। हमारे सर्कमस्टेंस, बॉडी, थॉट्स, अचीवमेंट सबके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। बुक नंबर 5, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट कोट है, जिसे सेरेनिटी प्रेयर भी बोलते हैं, जो सच में बहुत पसंद है मुझे, और वो ये है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। ऊपर वाले मुझे सबर देना उन चीजों को एक्सेप्ट करने का जो मैं चेंज नहीं कर सकता, हिम्मत देना उन चीजों को चेंज करने की जो मैं कर सकता हूँ, और विजडम देना ये समझने की कि कौन सी चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ और कौन सी नहीं। नाउ 7 हैबिट्स अगेन वन ऑफ माई फेवरेट बुक है, जो कहीं ना कहीं ऐसे हैबिट्स बताती है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, क्या नहीं, और सबसे मेन आप कैसे उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो अपनी हैबिट्स के थ्रू। नाउ जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इन सारी बुक्स की समरी मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, सो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चेकआउट करनी है अच्छे से, सो आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो या आई बटन से भी जाके। देखो दोस्तों, अभी क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है जिस टाइम में आप अपना पैशन फाइंड आउट कर सकते हो। बिकॉज आपने देखा होगा, मैक्सिमम लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, वो सब लोग इतने कामयाब होते हैं क्योंकि वो लोग अपने पैशन पे काम करते हैं। इवन मैं भी अपनी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें कर पाया हूँ, वो कर पाया हूँ बिकॉज मैं अपने पैशन पे काम कर रहा हूँ, और इसीलिए थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हूँ। सो अगर आप इस लॉकडाउन को एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो, इससे स्ट्रांग बाहर निकलना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको भी आपका पैशन फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके लिए सब चीज इजी हो जाएगी। आने वाला टाइम काफी हार्ड हो सकता है इकोनॉमी के लिए, लोगों के लिए, जॉब्स के लिए और हर चीज के लिए। सो इसीलिए बेस्ट होगा अगर आप अपने पैशन पे काम करो। सो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे और पॉजिटिव रहे। हम सब इस मुश्किल टाइम से जरूर और स्ट्रांग होकर निकलेंगे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।